हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये MDU 2018 के जो मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। ये मेरा नेक्स्ट 5th लेक्चर है। MDU का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, तो मैंने MDU के पिछले पेपर्स के सॉल्यूशन में कंटिन्यू डालती जा रही हूँ। आई होप आप सबके लिए यूज़फुल रहेंगे। अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है विद इन मंथ हो जाएगा, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना इन सभी सॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरा 5th लेक्चर है 2018 के लिए। डीसी करंट गेन पता है आपको कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का, दैट इज़ 0.956, एंड एमिटर करंट पता है 10 मिली एम्पियर। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर, द बेस करंट वैल्यू। एक्चुअली क्या है, गिवन है जैसे कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, इसमें इनपुट क्या रहेगी आपके पास, एमिटर रहेगी, आउटपुट क्या रहेगी, कलेक्टर रहेगी, कलेक्टर के अक्रॉस मिलेगी। तो आपको एमिटर करंट पता है, इनपुट करंट पता है 10 मिली एम्पियर, आपको कौन सा करंट निकालना है, बेस करंट निकालना है। तो अगर आपको किसी तरह से आउटपुट करंट पता चल जाए, तो दो तीनों में रिलेशन होती है, उससे हम बेस करंट निकाल लेंगे। करंट गेन क्या है, अल्फा गिवन है 0.956, आई क्या गिवन है 10 मिली एम्पियर। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर, आई बी। अल्फा क्या होता है, आउटपुट गेन क्या होता है, सबसे पहले करंट गेन, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट का काम कौन कर रहा है, यहाँ कलेक्टर कर रहा है, इनपुट का एमिटर कर रहा है। आई सी बाई आई, आई सी बाई आई आपको क्या गिवन है, 10 मिली एम्पियर। 10 क्या आ गया, यहाँ से IC की वैल्यू 0.956 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 9.56 मिली एम्पियर। अब आपको रिलेशन पता है, एमिटर करंट किसके इक्वल हो जाएगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये यूज़फुल रिलेशन होती है। ये आपको 10 गिवन था, IB आपको निकालना था, IC आपने अभी कैलकुलेट कर लिया था 9.56, तो IB क्या आ गया, 10 माइनस 9.56, दैट इज इक्वल टू 0.44 मिली एम्पियर। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ के बेसिस पे, सेकंड लॉ के बेसिस पे, थर्ड लॉ के बेसिस पे आपके क्वेश्चन जो है अब की बार भी एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लॉ आपके पास बेसिकली डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या तो इंटरनल एनर्जी निकालने को बोल दी जाएगी, डी क्यू और वर्क डन गिवन होगा, या वर्क डन बोल दिया जाएगा। ये रिलेशन आप याद रखना, जो आप अपने सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, कुछ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कुछ वर्क डन होगा। तो यहाँ से आपको तीनों में से एक क्वांटिटी जो है निकालने को बोल दी जाएगी, दो गिवन होंगे। तो इस पे भी बेस्ड आप अपनी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने MDU के सॉल्यूशन डाले हैं उसमें हर बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो सिस्टम इज टेंड्स टू इंक्रीज, जीरो मैक्सिमम फ्लक्चुएट, दिस इज आवर थर्मोडाइनमिक्स थर्ड लॉ। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी एब्सोल्यूट जीरो पे, दैट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है ऑप्टिक्स का, वेरी यूजफुल क्वेश्चन। अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे, IITs का दोगे, DU का दोगे, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस कंसेप्ट पे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, क्या गिवन है, वेव्स हैं, उनकी इंटेंसिटी किस रेशियो में है, 9:1 में, इंटरफेरेंस हो रहा है, रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी रेशियो दो स्लिट्स की क्या होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्लिट की जो विड्थ है। इट मीन्स I1 बाई I2 इज इक्वल टू W1 बाई W2, वेयर W1 एंड W2 आर विड्थ्स ऑफ टू स्लिट्स। अब I1 बाई I2 क्या गिवन है, 9:1, तो यहाँ से आपके पास जो है इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। तो I1 बाई I2 क्या आ गया, A1 स्केयर बाई A2 स्केयर, दैट इज इक्वल टू 9:1, वेयर A1 एंड A2 आर एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स फ्रॉम टू स्लिट्स। तो यहाँ से A1 बाई A2 निकालिए, क्या आ गया, इसका स्केयर रूट लीजिए 3:1। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम। अब आपके पास आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2 जो कि आपके पास एम्पलीट्यूड थे, ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड था, ये सेकंड का था। सो ये फॉर्मूला याद रखना, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम क्या होगा, A1 प्लस A2 होल स्केयर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 होल स्केयर। A1 है आपके पास 3+1 होल स्केयर, 3-1 होल स्केयर, 4² / 2 स्केयर, दैट इज इक्वल टू 16/4, 4:1। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑप्टिक्स पे बेस्ड है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी आपने फाइनल ईयर में भी ये एक्सपेरिमेंट करते हो, आप जो है हीलियम नियोन लेज़र में जो आप वेवलेंथ निकालना चाह रहे हो, हीलियम नियोन लेज़र लाइट यूज़ करते हो, हीलियम नियोन लेज़र से एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, तो उसमें आप यहीं करते हो। दो नैरो जो हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे भी बेस्ड होता है आपका एक पार्ट, दो नैरो स्ट्रेट पैरेलल स्लिट्स हैं जिनका बीच का स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो फ्रिंजेस बन रही है स्क्रीन पे, वो इससे कितने डिस्टेंस पे हैं स्लिट से, 100 सेंटीमीटर पे, और फ्रिंजेस कितने विड्थ के बन रही है, 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट,
100 एंगस्ट्रोम, 350 एंगस्ट्रोम, 500 एंगस्ट्रोम और 5000 एंगस्ट्रोम, ये आपके पास सोर्स रखा है। यहाँ पे स्लिट है, ये स्लिट्स की विड्थ है 1 मिलीमीटर। ये स्क्रीन है जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है आपको, कितने डिस्टेंस पे है स्लिट से, 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर डी, दिस इज़ आवर स्मॉल डी। बीटा आपको ऑलरेडी गिवन है, डी स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर, कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मीटर। और बीटा आपको फ्रिंज विड्थ वैसे गिवन है, कितनी है 0.5 मिलीमीटर। जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, बीटा इज गिवन बाय लैम्डा इनटू डी बाय स्मॉल डी। डी है आपका डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स, स्मॉल डी है आपके पास जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, बीटा फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ आपको गिवन है 0.5। हमेशा मिलीमीटर से जो है आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। कैपिटल डी 1 मिलीमीटर था, 10^-3 हो गया, डिवाइडेड बाई कैपिटल डी जो है, ये स्मॉल डी था सॉरी, कैपिटल डी 100 × 10^-2, दैट इज इक्वल टू 0.5 × 10^-6 आ रहा है, 5 × 10^-7 हो गया मीटर में। और आप इसको एंगस्ट्रोम में कन्वर्ट कर रहे हो तो 5000 एंगस्ट्रोम। आप याद रखिए 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10^-10 सेंटीमीटर। तो इस पे सॉरी मीटर, 10^-8 सेंटीमीटर। तो मीटर में तो हुआ 10^-10 मीटर, सेंटीमीटर में हुआ 10^-8 सेंटीमीटर। यहाँ से कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, इस पे बेस्ड भी आपके यूनिट के कन्वर्जन के बेसिस पे भी यहाँ पे आंसर वेरी कर सकते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को अपना केयरफुली करें, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल गिवन है, कभी कैनोनिकल आ जाएगा, कभी ग्रैंड कैनोनिकल आ जाएगा। और आप एमएससी बेस पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे सब में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है 18 में माइक्रो कैनोनिकल पूछा था, 19 में हो सकता है आपसे कैनोनिकल पूछा हो या ग्रैंड कैनोनिकल, ITJM में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपका याद रख लो हमेशा 100% पूछा जाता है। दो सिस्टम है ए और बी जो कॉन्टैक्ट में है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल अगर यूज़ कर रहे हैं तो ए सिस्टम जो है केवल एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा बी के साथ, केवल पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर पाएगा, या ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा ना पार्टिकल्स को। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दोनों को ही एक्सचेंज कर पाएगा। माइक्रो कैनोनिकल में तो क्या है, ई कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नोर पार्टिकल विद बी, यानी माइक्रो कैनोनिकल में दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना एनर्जी का ना पार्टिकल्स का। जब कैनोनिकल में आओगे तो केवल एनर्जी एक्सचेंज होगी बी के साथ, लेकिन ग्रैंड कैनोनिकल में क्या आएगा, दोनों ही चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी आपकी, एनर्जी भी और पार्टिकल भी। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को याद रखिए, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका 110% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच फिनोमिना कॉजेज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आपके पास चार फिनोमिना है, डिफ्रेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डबल रिफ्लेक्शन है, डबल रिफ्रेक्शन है, इनमें से किस में पोलराइजेशन होता है, दिस इज आवर्स डबल रिफ्रेक्शन। क्या होती है डबल रिफ्रेक्शन फिनोमिना, ये क्रिस्टल है इस पर आपने अनपोलराइज लाइट डाली है, तो यहाँ पे आपके दो रेज मिलेंगी, ऑर्डनरी रेज और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेज, दीज आर रिफ्रेक्टेड रेज एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना, दिस वन थर्ड ऑप्शन। ये नहीं है डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था क्वार्टर वेव, ऐसे ही डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे बेस्ड है। आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है, जो मैंने बताई थी दो रेज मिलेंगी, एक आपकी ऑर्डनरी है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। ऑर्डनरी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.586, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का है 1.592। आपको थिकनेस चाहिए बी का सीट की, आपके पास क्या बन जाएगी क्वार्टर वेव प्लेट, लैम्डा इज इक्वल टू 5460 एंगस्ट्रोम। ये ऑप्शंस थे 0.002275, 0.567, 0.1, 0.0। तो यहाँ से आपको पता है टी थिकनेस ऑफ प्लेट है, यहाँ पे क्या होगा, अगर क्वार्टर वेव प्लेट है तो लैम्डा बाई 4 होगा म्यू इंटू टी। ये म्यू क्या है, म्यू ई माइनस म्यू ई नोट क्या है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का, ये ऑर्डनरी का, दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। और यू कैन से टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 इंटू म्यू ई माइनस म्यू नोट। लैम्डा है 5460 एंगस्ट्रोम में है, इसको मैंने सेंटीमीटर में आंसर छोड़ा हुआ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 5460 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4, दोनों का डिफरेंस ले लो 1.592 माइनस 1.586, दैट इज इक्वल टू 227500 इंटू 10^-8। यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लो आप, 0.227500 इंटू 10^-2, और यू कैन से 0.002275 सेंटीमीटर। ये आंसर में जस्ट 0.02275 छोड़ा हुआ था, तो आंसर आपके पास ऐसा आ जाए, एग्जैक्ट ये आ रहा है लेकिन ये है, तो इस पे आप जो है अपना मार्क कर देना। अगर मेरे पास ये क्वार्टर वेव प्लेट की जगह आपके पास हाफ वेव प्लेट होती तो क्या हो जाना था, लैम्डा बाय 2। ओके इस तरह से आप अपने जिसको पर्टिकुलर MDU का ही एग्ज़ाम देना है तो वो तो रिवाइज़ कर ले, और जिसको DU वगैरह के भी देने हैं, ऑप्टिक्स के अच्छे क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में,
तो सारा ही कैनोनिकल है, ग्रांड कैनोनिकल है, ये आपने जो है थर्मोडाइनमिक्स में पास कोर्स में नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप ये जस्ट बेसिक बेसिक रिवाइज़ कर लें, जैसे जो मैं साथ साथ बता रही हूँ, तो आप सभी लेक्चर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।